के एक और वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलिए काम की बात करते हैं। अगर आप अपने YouTube चैनल को ट्रांसफर करना चाहते हैं किसी दूसरे जीमेल आईडी में तो उसको आप कैसे कर सकते हैं इस अकाउंट में वही बताएंगे। तो अगर मान के चलिए आपका गूगल अकाउंट में मेन यूट्यूब चैनल है, एक ब्रांड चैनल होता है, एक मेन चैनल होता है। अगर आपका जो चैनल आप ट्रांसफर करना चाहते हैं वो आपका मेन चैनल है तो पहले उसको ब्रांड में चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद 7 दिन के बाद उसमें एक मैनेजर ऐड करना पड़ेगा, मतलब जिस ईमेल आईडी में आप ट्रांसफर करना चाहते हैं उसको एज अ मैनेजर ऐड करना पड़ेगा। जब 7 दिन का डे पूरा हो जाएगा उसके बाद उसमें आप प्राइमरी ओनर यानी कि पूरा कंप्लीटली उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ब्रांड अकाउंट है कि मेन अकाउंट है। तो वीडियो में ए टू जेड चीज आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को कहीं भी मिस नहीं करना है और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तो इस तरीके से आप पूरा सीख जाएंगे कैसे आप चैनल को मतलब अपना जो मतलब यूट्यूब चैनल रहेगा उसको कैसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते। चलते हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन में जहां मैं आपको सारा चीज बताऊंगा। चलिए तो हम लोग आ गए कंप्यूटर स्क्रीन में। अब यहाँ हम लोग कैसे अपने यूट्यूब का जो चैनल है दूसरे अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करते हैं ये सीखेंगे। तो पहले यहाँ आपको यूट्यूब में चल जाना है। उसके बाद आपको यहाँ देख लेना है कि आप जो चैनल को ट्रांसफर करना चाहते हैं वही चैनल है। तो देखिए मैं इस चैनल को किसी और में ट्रांसफर करना चाहता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पे ये चैनल को सेलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं सेलेक्ट है तो यहाँ पे स्विच अकाउंट में दबा के और ये जो चैनल है आपका इसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इस चैनल को। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं सेटिंग में जाना है। यहाँ के बाद आपको चैनल ट्रांसफर करने के लिए अगर ये इसका आपका मेन चैनल है ब्रांड चैनल नहीं पहले इसको आपको ब्रांड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पहले देखेंगे कि इसको ब्रांड में कैसे कन्वर्ट करते हैं क्योंकि अभी आपको ये चैनल ट्रांसफर करने का ऑप्शन नहीं देगा। तो पहले इसको ब्रांड में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको व्यू एडवांस सेटिंग में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है और यहाँ पे देख सकते दिया हुआ है मूव अ चैनल टू ब्रांड। अभी इसको ब्रांड में क्यों मूव करना है ये मैं दिखाता हूँ। तो इसके लिए चलिए हम लोग पहले क्रिएटर स्टूडियो में चल जाते हैं इसका यूट्यूब स्टूडियो में, क्योंकि आपको अगर ये मेन चैनल है तो आपको ट्रांसफर करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। लेकिन हाँ आप किसी को मैनेज करने के लिए दे सकते हैं लेकिन गूगल में आपको ट्रांसफर करने का ऑप्शन नहीं मिले। तो यहाँ पर हम लोग सेटिंग में आ जाते हैं। सेटिंग में बाद यहाँ पर परमिशन में आ जाते हैं और इन्वाइट में यहाँ पर दबाते हैं। यहाँ पे जो देख सकते हैं रोल है मैनेजर है एडिटर है। यहाँ पे आपको ओनर या प्राइमरी ओनर का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो आप इस पे क्या है कि अगर आपका चैनल मेन चैनल है ब्रांड चैनल नहीं है तो आप इसको दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा पहले उसको ब्रांड में चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम लोग इसको ब्रांड में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ आने के बाद मूव अ चैनल टू ब्रांड अकाउंट करना है। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ अभी इस अकाउंट मतलब ये गूगल अकाउंट में कितने चैनल है देख सकते हैं। फिलहाल ये मैंने शेयर किया हुआ चैनल है और ये 2 चैनल है। तो अभी इस चैनल को हम लोग इसमें रिप्लेस करेंगे। अगर आपके पास कोई भी ब्रांड चैनल नहीं है तो एक ब्रांड चैनल तुरंत क्रिएट कर ले और क्रिएट करना बहुत आसान रहता है। देखिए कैसे क्रिएट होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे व्यू पे जाना है आपको। व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे क्रिएट चैनल पर दबाना है और यहाँ पे आपको नाम लिख देना है और इसको एथी करके यहाँ बस क्रिएट दबा देना। बस आपका ब्रांड चैनल क्रिएट हो जाएगा। आपके पास एक ब्रांड चैनल कम से कम होना चाहिए ताकि आप मेन चैनल को ब्रांड चैनल में लेके रिप्लेस कर सको। यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पे व्यू एडवांस सेटिंग में जाना है। उसके बाद आपको नीचे आना है मूव अ चैनल टू अ ब्रांड अकाउंट में दबाना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये जो ब्रांड अकाउंट है यहाँ पे आपको रिप्लेस का ऑप्शन मिल रहा है तो आपको इस पर रिप्लेस कर लेना है और जिस अकाउंट में रिप्लेस करना है उसी को सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास कुछ ज़्यादा चैनल हो तो थोड़ा ये चीज़ देख के करें। यहाँ पे देखिए टिक लगाने वाला है इसमें टिक लगा लेना है। ये पूरा स्क्रीन नहीं दिख रहा पता नहीं क्यों। रिप्लेस दबाने के बाद ये पूरा दिख नहीं रहा है यहाँ दिखना चाहिए पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें। थोड़ा सा हम लोग क्रोम से इसको छोटा करके देखते हैं। हाँ देखिए छोटा किए तो दिख लिया। अगर आपका वाला में नहीं दिख रहा है तो आप कंट्रोल बटन दबा के और माउस को इधर साइड में रख के देखिए बड़ा छोटा हो रहा है ना देखिए गायब हो रहा है। तो आपको यहाँ पे यहाँ कहीं भी इसमें मत रखना आपको ये जो माउस का कर्सर उसको इधर कहीं पे रख के और रोलर को घुमाना है इससे आपका बड़ा छोटा होता है फिगर। तो आप यहाँ से इसको छोटा करके यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको डिलीट में दबाना है। अब देखिए ये चैनल क्या है पूरा पूरी उठ के उसमें चल जाएगा। तो यहाँ पे मूव पे क्लिक करना है। अब ये देख सकते हैं
यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि 10 मिनट टाइम लगेगा आपका चैनल अब, या उसके बाद यहाँ पे आप रिसेट कर दे एक बार, जूम इन आउट करके यहाँ पे रिसेट पर क्लिक कर दे तो इसका जो साइज होगा उसमें या वापस आ जाएगा। तो आपका चैनल 10 मिनट का टाइम लगेगा, इसके बाद उसमें आपको रिप्लेस मिल जाएगा। तो ये फाइनली हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं हो गया या अभी होना बाकी है। तो देख सकते हैं ये बुकेश साव के नाम से क्रिएट हो गया नया चैनल, मेन चैनल जो है, मतलब ये मेन क्या, मतलब आपको यूट्यूब में एक्सेस करने के लिए एक चैनल होना चाहिए जो गूगल के साथ अटैच रहता है। और देखिए यहाँ पे ये ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे आपको दोस्ती वाला जो चैनल दिख रहा था वो कम्प्लीटली गायब हो चुका है। तो आपका चैनल ट्रांसफर हो चुका है। अब यहाँ मैं व्यू चैनल में जाकर आपको दिखा देता हूँ कि वो गायब हुआ है कि नहीं, दोस्ती में हम लोग रिप्लेस किए थे, देख सकते हैं। तो ये मुकेश साहू मेरे नाम से आ गया है। मतलब जो भी आपका, मतलब YouTube में एक्सेस करने के लिए एक चैनल क्रिएट करना पड़ता है, ये वो वाला है जिससे मैं YouTube में क्रिएट कर सकता हूँ। और ये सब मेरा जो है आपका ये वाला चैनल है, मतलब ब्रांड चैनल है। तो देख सकते हो जो दोस्ती वाला यहाँ पे दिख रहा था उसके जगह पे ये मुकेश आ गया, मतलब एक चैनल क्रिएट हो गया जिससे मैं यूट्यूब को एक्सेस कर पाऊंगा और ये सब ब्रांड चैनल क्रिएट होंगे। अब इसको किसी और चीज़ में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको क्रिएटर स्टूडियो में लेके दिखाता हूँ। अब देखिए इसका परमिशन भी आपको अलग अलग ऑप्शन से मिलेगा। तो हम लोग पहले जो चैनल हम लोग को चाहिए वो सेलेक्ट कर ले क्योंकि वो तो वो दूसरा वाला है। अब यहाँ पे आ जाते हैं दोस्ती फाइट गेमर में। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू दबाना है। अब आपको यहाँ पे सेटिंग में आना है और यहाँ पे परमिशन पे जाना है। अब देख सकते हैं आपको यहाँ पे 2-3 ऑप्शन मिल रहा है। तो आपको इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। तो आपको चैनल मतलब ये ब्रांड अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है तभी आपको इसमें करना है मैनेज परमिशन। अगर आप इसमें कर दिए हैं वो, मतलब आप जो परमिशन होता है यूट्यूब चैनल का, अगर वो आप क्रिएटर स्टूडियो को दे चुके हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। क्या ऑप्शन मिलता है मैं दिखाता हूँ। पहले एक बार इसको मूव कर लेता हूँ क्रिएटर स्टूडियो में। हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्लोज करते हैं, देखते हैं उसको आपको कैसे हटाना जब वो ऑप्शन आएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग परमिशन में आते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आउट दे रहा है। मतलब यहाँ पर अगर आप अभी इनवाइट करते हैं तो आपको फिर से मैनेजर तक का ही मिलेगा, आप ये चैनल को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो चैनल को ट्रांसफ़र करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मिनट, यहाँ पे ऑप्शन आउट में दबाना पड़ेगा परमिशन में, और यहाँ पे ओके दबा के ऑप्शन आउट करना पड़ेगा। आपका चैनल का जो परमिशन हट गया, अब यहाँ से आपको मैनेज परमिशन में जाना है। ये आपका ब्रांड चैनल का मेन पेज खोल देगा। यहाँ पे आने के बाद देखिए अभी यहाँ पे ये दोस्ती ही लिख रहा है, इसी में हम लोग चैनल का रिप्लेस किया। आप इसका भी नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैनेज चैनल में जाना है, मैनेज परमिशन में। उसके बाद ये आपके फ़ोन में कुछ सिक्योरिटी वाला भेजेगा तो इसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, ये हमारा सेफ्टी के लिए ही होता है। तो चलिए मैं मोबाइल में अपना वेरीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पर आने के बाद आपको परमिशन में दबाना है। अब देखिए ये तो प्राइमरी ओनर दिख गया। अब यहाँ पर आपको ऐड दबाना है। यहाँ पे आपको जिनको दबाना है उनका ईमेल आईडी, मतलब जिनको ऐड करना है, मतलब या जिस अकाउंट में ऐड करना है उसमें। उसके बाद यहाँ पे रोल में आके आप देख सकते हैं ओनर या मैनेजर, ये दो आप सेलेक्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, शुरू में आपको यहाँ पे मैनेजर में सेलेक्ट करना है। 7 दिन तक मैनेजर में रहने के बाद उसके बाद आपको पूरा पूरी प्राइमरी ओनर में चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर एक ओनर ही करके देता हूँ। अब यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी डाल लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी यहाँ 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं, ये कुछ टाइम लगेगा, अभी फर्स्ट टाइम अकाउंट को ट्रांसफ़र किया उसके कारण शायद कम। यहाँ पे आपको ओनर में और इनवाइट कर देना है। अभी जैसे आपको एक ईमेल आएगा, मतलब जो इसका ईमेल आईडी में आप इन्वाइट किया उनको एक मेल जाएगा। तो आपको वहाँ पर मेल में जाके एक्सेप्ट का एक ऑप्शन होगा, उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। मैं वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर आपको नेम चेंज करना है तो यहाँ पे व्यू अकाउंट प्रोफाइल में जाना है क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप जो मतलब रखे हैं नाम वही दिखे तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे आपका जो चैनल का ब्रांड नेम है उसको यहाँ पे एडिट करके और कर लें जो आपका ब्रांड नेम था, मतलब चैनल का नेम था। और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लें। तो ये अब जब भी आप यूट्यूब में सेलेक्ट करने जाइएगा तो वहाँ पे दोस्ती नहीं, दोस्ती फाइट गेमर लिखेगा। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ दिखाता है तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बैक आ जाइए। अब मैं अभी तक मेरा ईमेल नहीं आया, मैं देख ले रहा हूँ वो ईमेल क्यों नहीं आया। फिर से हम लोग यहाँ पे परमिशन से फिर में जाएंगे, मैनेज परमिशन में जाते हैं, देखते हैं अभी यहाँ ऑप्शन आया है कि नहीं।
अब यहाँ आते हैं परमिशन, अभी तक ये इनवाइट में है लेकिन मेल हमको अभी तक नहीं आया है, तो काम करते फिर से हम लोग सेंड करते हैं, यहाँ पे नहीं आया तो रिमूव कर लेते हैं। इनवाइट करके देखते हैं, यहाँ तो देख सकते हैं, तो फाइनली मैंने मतलब मेल भेज के एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा जब घुसिएगा, तो यहाँ पे आपको जहाँ पे आप मैनेजर सेलेक्ट किए हैं यहाँ पे आपको करके यहाँ पे प्राइमरी ओनर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र दबाना है, जो कि आपको पहले तो 7 दिन तक उसको मैनेजर बना के रखना पड़ेगा जिस अकाउंट में इसको मतलब ट्रांसफ़र करना है। जैसे इस अकाउंट में मेरे को ट्रांसफ़र करना है तो इसमें आपको मैनेजर बना के रखना पड़ेगा 7 दिन तक, और उसके बाद फिर क्या होगा कि आप इसको यहाँ से प्राइमरी में चेंज कर दीजिएगा 7 दिन के बाद। उसके बाद ये अकाउंट ये भी प्राइमरी ओनर बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि जैसे ये प्राइमरी ओनर बन जाए उसके बाद इसका परमिशन रिमूव कर देना, उसके बाद ये अकाउंट कम्प्लीटली इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसमें आपको 7 दिन का टाइम लग जाता है, तो आपको वेट करना है। अभी मेरा ईमेल नहीं आ रहा था, थोड़ा लेट हो गया था, तो जिसके कारण मैं बताया। तो जब आपका ईमेल हो जाएगा सब चीज़ कर लीजिएगा, उसके बाद आपको सारा यहाँ कितना परमिशन है आपको दिखेगा परमिशन में दबाने के बाद। उसके बाद यहाँ पे आप रोल में सेलेक्ट करके यहाँ पे प्राइमरी ओनर में करके आपको सेव कर देना है 7 दिन बाद। उसके बाद ये अकाउंट उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद जो आपका जो आईडी में आप इसको परमिशन नहीं देना चाहते उसको रिमूव कर देना, तो उससे वो हट जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना गूगल आईडी में जितने भी आपका मतलब यूट्यूब चैनल रहते हैं ब्रांड जो उनको आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और आपका अगर वो मेन चैनल है तो उसको आपको पहले ब्रांड में ट्रांसफ़र करना, ब्रांड से फिर आपको किसी दूसरे ईमेल पर आईडी पर करना है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, और जितने मैंने स्टेप बताया वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो अगर आपको चैनल का वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करता हूँ कि वीडियो देखने के बाद आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे आप अपने YouTube चैनल को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और अगर आपका मेन आईडी है, मेन अकाउंट है YouTube में, तो उसको कैसे आप मतलब ब्रांड में चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर चैनल का जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे अलविदा।